एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक युवती, एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया दयालु, बुद्धिमान और काफ़ी हुनरमंद थी, लेकिन उसमें एक कमी थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, ओवर थिंकिंग। हर बड़ी छोटी चीज़ पर उसके मन में एक अजीब सी चिंता और सवाल की नदी बहती रहती थी। ये निरंतर विचार उसको बंधक बना देते थे और उसे सुकून से जीने नहीं देते थे। एक दिन जब माया एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव के मैदान में बैठी थी, उसके दोस्त ने उसको सोच में पड़े देखा और चिंता से भरे उस चेहरे को देखकर रवि उसके पास गया और धीरे से पूछा, माया क्या बात है, तुम्हारी आंखों में उलझन दिख रही है, तुम चिंतित लग रही हो। माया ने सांस ली और रवि से अपनी ओवरथिंकिंग की परेशानी के बारे में खुलकर बात की। रवि, मेरा दिमाग एक घने जाल की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद के विचारों में बंध गई हूँ। मैंने अपने विचारों की ये जो जाल है इसे खुद के अंदर बना लिया है, और क्या मैं इससे छुटकारा पा सकती हूँ? रवि एक समझदार और संवेदनशील इंसान की तरह कुछ देर सोचने के बाद बोला, माया एक कहानी सुनी थी मैंने एक बुद्धिमान मुनि के बारे में जो गांव के बाहर एक शमशान के पेड़ के पास रहता है, और शायद उसके पास ओवर थिंकिंग का कोई उपाय है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। माया खुशियों से भर गई और उसने मुनि के पास जाने का फैसला किया। वो जंगल की तरफ बढ़ी और वो मुनि की वाटिका की तरफ पहुंची। मुनि ने उसका स्वागत किया। माया ने उससे अपनी परेशानी बताई। मुनि इसके उत्तर में कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक आम समस्या है दिमाग की, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं होनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो तुम्हें शांति मिले देगा। उन्होंने माया को एक छोटा सा खाली जार दिया और कहा, हर बार जब तुम ओवरथिंक करने लगो, उस चिंता का विचार कागज़ पर लिखो और इस जार में डालो। फिर अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ख़ुद को समझो कि उस विचार को अपने दिमाग से तुम्हें जार में डाल दिया है। इसी बीच उसी विचार से अपनी ज़िंदगी को मुक्त कर लो और उस विचार को उस जार में डाल दो। माया थोड़ा सा विश्वास तो कर रही थी, लेकिन कुछ भी करने के लिए तैयार थी उस ओवर थिंकिंग के जाल से निकलने के लिए। उसने मुनि की सलाह मानी और नेकी से उस जार में अपनी चिंताएं डालने लगी, रखने लगी। शुरू में जार जल्दी भर जाता, लेकिन समय के साथ साथ माया ने महसूस किया कि उसकी ओवरथिंकिंग कम हो रही है। एक शाम को जब सूरज ने आसमान को रंगीन बना दिया, माया आखिरी बार मुनि के पास गई अपनी शुक्रगुजारी जताने के लिए। उसने कहा कि धन्यवाद बुद्धिमान मुनि, आपका ये छोटा सा उपाय ज़िंदगी बदल देने वाला था। अब मैं अपने दिमाग की जेल से मुक्त हूँ और हल्का हल्का फुल्का महसूस करने लगी हूँ। मुनु ने मुस्कराते हुए कहा, माया तो हमेशा से अपनी ओवर थिंकिंग को काबू कर सकती थी। ये जार तुम्हें याद दिलाता है कि विचार अनंत नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, और तुम्हें उन्हें छोड़ देने का अधिकार है। उस दिन के बाद से माया ने अपनी ज़िंदगी को नए जोश और साहस से जिया। वो हर पल को आनंद के साथ जीती और चिंता मुक्त जीने की खूबसूरती को समझा। और इस तरह माया की ओवर थिंकिंग से मुक्त होकर जीने की कहानी गांव और उसके आसपास फैल गई, याद दिलाते हुए हर एक व्यक्ति को कि दिमाग के जेलों का एक छोटा सा जार और छुटकारा पाने की इच्छा ही तोड़ सकती है। बूढ़ा मुनि की कहानी और विचार मुक्त जार वाली ये कथा लोगों को याद दिलाती है कि प्रेजेंट का आनंद लिया जा सकता है और वो ओवर थिंकिंग के जाल में फंस कर ना रहकर जीवन की खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। ये कहानी है ओवर थिंकिंग का सफ़र। तो इसमें बताया गया है कि ओवर थिंकिंग को हम छोड़ सकते हैं, हम हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, हम हमारे अंदर उतनी इच्छा होनी चाहिए कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि उस जाल में फंसे रहना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है और ओवर थिंकिंग हमें कहीं नहीं पहुँचाती। और मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर वो जो थॉट है आपके दिमाग में आया है, वो अगर अगले 5 साल में मैटर नहीं करता, फ्यूचर में वो चीज़ मैटर नहीं करती, उसे समय नहीं देना चाहिए सोचने का और उस पर सोचना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।